बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कोल्सलो सैलड बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। तो इसके लिए आपने बंद गोभी 2 कप लेनी है। इसको आपने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काट लेना है या फिर कद्दूकस कर लीजिएगा। बाज़ औक़ात इसको क्यूब की शक्ल में भी काटा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको इसी तरह से बारीक स्लाइसिस में ही काटा जाता है। गाजर 1/2 कप, इसको भी आप कद्दूकस कर लें। मायोनेज 1/2 कप, फ्रेश क्रीम 3 टेबलस्पून, अखरोट कटे हुए 4 टेबलस्पून। इनको मैंने ब्लांच करके रखा है, यानी उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए डालकर निकाल लिया है, और ये कोल्सलो में बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देंगे। किशमिश 2 टेबलस्पून, इसे भी मैंने ब्लांच करके रखा हुआ है, यानी 2 मिनट उबलते हुए पानी में डालकर छान लिया था। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, नमक हसबे जायका, काली मिर्च 1/4 टीस्पून और चीनी 1/2 टीस्पून। सबसे पहले आप मायोनेज डाल लें। इसमें क्रीम डाल लें। लेमन जूस, नमक, काली मिर्च, चीनी, इन्हें आप अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसमें अखरोट और किशमिश भी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। फिर इसमें गाजरें डाल दें। इसके बाद आप इसमें बंद गोभी भी डाल दें और अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसे सर्विंग प्लेट में डाल लें। लीजिए, कोल्सलो सैलड तैयार है। इसे आप 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखकर ठंडा करके सर्व कीजिएगा। इसे आप बर्गर्स, सैंडविचेस या साइड डिश के तौर पर या क्लब सैंडविचेस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और एक खूबसूरत सी हदीस आपके साथ शेयर करूंगी। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं जहाद करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तेरे वालिदैन हैं? इसने जवाब दिया, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इन दोनों में जहाद कर, यानी इनकी खिदमत कर। इसलिए हमें चाहिए कि अपने वालिदैन की कदर करें, इनकी खिदमत करें, और खुदा हम सबको इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज़।